नाइल कलवा अस्य खिर भएर गएन ऐबुकै अस्यमरण अस्य खिर भएर गएन यी साल्फी गुरैया देवारी अस्य खिर भएर गएन आजमिति 2077 पुस चार गते शनि सरक दिन जङ्गार साहित्य गोखेरीका दसवा वर्षगाँठको अवसरमा जङ्गार साहित्य गोखेरीका आयोजना युनिक नेपाल कालिका सामुदायिक पुस्तकालयको सहकार्यमा हाम्रो साहित्यिक सम्मेलन 2077 वार्षिक उत्सव स्रष्टा सम्मान समारोह बबई रिसोर्टमा ठाकुरद्वारामा हुई जयन्तीर लग यी कार्यक्रममा मै सरस्वती तरफले राम राम थारू भाषा साहित्य संरक्षण औ सम्वर्धनका लागि अग्रणी भूमिका खेल्द जङ्गार साहित्य गोखेरीको थारू भाषा साहित्यका जन्मैल यी संस्थाको जन्म 2068 साल पुस 1-2 गते हुन रह यी संस्थाको संस्थापक संरक्षक सुशील चौधरी और संस्थाको संयोजन सोम देवडौराका मुख्य प्रयासमा मुख्य भूमिकामा यी संस्था ठाकुरद्वाराके थारू होम रिसोर्टमा 10 वर्ष 8 हप्ता रह जङ्गार साहित्यिक बखेरीको संयोजक ओ सहक यी कार्यक्रमको बर्घर सोम डेमन्डौराज्यू ह आघ बर्घरको रूपमा आसन ग्रहण कैदेखला मै गर लोक संस्कृति कर्मी हाम्रो गुरुबाबा फगुलाल थारूज्यू ह आसन ग्रहण कैदेखला मै गर अर्जी गर्छु। संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति हाम्रो मुर्गनी पौडाज्यू हन फेरि आघका आसन ग्रहण कैदेखला मै गर अर्जी गर्छु। ओसहक नेपाल गुठी संस्थानका पूर्व अध्यक्ष हाम्रो पाहुना लक्ष्मणराज गेवालीज्यू हफे आघाको आसन ग्रहण कैदेहरूलाई मैले अर्जी गर्छु। थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थारूज्यू हफे आघाको आसन ग्रहण कैदेहरूलाई मैले अर्जी गर्छु। ओसहक ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख धननारायण श्रेष्ठज्यू हफे आघाको आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गरटु। ओसहक बाह्र बर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गा थारू कबीरज्यू हफे आघाको आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गर्छु। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङका कुलसचिव माधव अधिकारी ज्यू हनफे आघाको आसन ग्रहण कैदेहरूला मै गर अर्जी गर्छु। थारू लेखक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर कृष्णराज सरबहारी ज्यू हनफे आसन ग्रहण कैदेहरूला मै गर अर्जी गर्छु। आघाको आसन ग्रहण कैदेहरूला ओसहक जङ्गार साहित्य बखेरीका संस्थापक संरक्षक सुशील चौधरीज्यू हफे आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गर्छु। थारू भाषा तथा साहित्य संरक्षण मञ्च दाङका अध्यक्ष छविलाल कोपिलाज्यू हफे आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गर्छु। युनिक नेपालका अध्यक्ष प्रेम चौधरीज्यू हफे आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गर्छु। थारू कल्याणकारी सभाका जिल्ला सचिव हरिहर थारूज्यू हफे आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गर्छु। थारू पत्रकार सङ्घ बर्दियाका अध्यक्ष शरण चौधरीज्यू हफे आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गर्छु। ठाकुरबाबा पर्यटक समिति बर्दियाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यू हफे आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गर्छु। कवि तथा कथाकार सन्तराम भरकटवाज्यू हफे आघाको आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गर्छु। मै असहक शर्मिला चौधरी सृष्टिज्यू हफे आसन ग्रहण कैदेहरूला अर्जी गर्छु। असहक थारू साहित्य हन संरक्षण औ सम्वर्धन करकलाई योगदान पुगाइल पत्रकार एकराज चौधरीज्यू हनफे आघाको आसन ग्रहण कैदेहरूला मैगर अर्जी गर्छु। साहित्यकार
मान बहादुर पन्ना जीव हनफे आसन ग्रहण कई ढेकलाक मैगर अर्जी करतु दिल बहादुर चौधरी साहित्यकार साहित्य हन माया करना मने दिल बहादुर चौधरी जीव हनफे आसन ग्रहण आघा का आसन ग्रहण कई ढेकलाक मैगर अर्जी करतु गायिका थारू संस्कृति थारू साहित्य थारू भाषा हन माया करना गायिका सुमित्रा चौधरी जीव हफे आघा का आसन ग्रहण कई ढेकलाक मैगर अर्जी करतु कार्यक्रम का उद्घाटन कर देखला हमार यहाँ दिया हमारा दस से दिया भरला बाती दिया बार का उद्घाटन कर देखला थारू लोक संस्कृति कर्मी हमार गुरु बाबा थगुलाल थारू जीव ओ मुर्गनी पौना प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामी छाने जीव दिया बार का कार्यक्रम उद्घाटन कर देखला मैगर अर्जी कर सदा भवानी दाहिने रे सदा भवानी दाहिने रे श्री धना करे गणेश हाय रे पंचो दिउटा रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश एक तो सबको ठोपरी बजाएगा पंचो दिउटा रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश हो पंचो यहाँ कन संपूर्ण व्यक्तित्व कन मई हार्दिक स्वागत करती ये जंगराव साहित्यिक बखेरी सन दुई विक्रम सम्मत 2064 साल 68 साल पुष महीना के दुई व तीन गते हमारा ठाकुरद्वारा कार्यक्रम के थारू होम रिसोर्ट में बैठकन छलफल करना बेला में याकर सिर्जना हुई रह याकर उत्पत्ति हुई रह ओ बेला में हमारा अब दस वर्षसम्म हाम्रो काका कर्ली काना विषयमा यहाँ जान्छे जानकारी गराइ चाहतु हाम्रो दस वर्षसम्म जब हाम्रो 68 सालमा यी जङ्गराव साहित्य बखेरी गठन कर्ली यी एक ठो लुज फोरम हो कहुँ कौनो सङ्घ संस्थामा कौनो कार्यालयमा दर्ता निहुलो हो लुज फोरम हुइलो पर्छ हाम्रो लुज फोरम तरिकाले हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिएल बाटी अस्तका विदेशमा फे हाम्रो बाहिर देशमा फेर अलग साहित्यकार हुक्र फे जङ्गराव साहित्यिक बखेरी गठनकै कारण विभिन्न साहित्य मार्फत चाहिँ भाषा साहित्य संरक्षणकै लागि उत्थानकै लागि हाम्रो अभियान चलैति बाटी अस्तका जङ्गराव साहित्यिक बखेरी गठन हुइलक पाछ छिटकल साहित्यिक समाज छिटकल साहित्यिक समाज कैलाली कञ्चनपुर लगायत सुर्खेतमा फेरि जङ्गराव साहित्यिक बखेरी गठन होस्याकल बा यहाँ से विभिन्न जिल्लामा से उपस्थित हुइलक सम्पूर्ण पाहुना होकन मै फेरोसो स्वागत गर्न चाहन्छु ओ हाम्रो यी कार्यक्रम खास कै थारू भाषा साहित्य संरक्षणकै लाग हाम्रो विभिन्न माहौलमा विभिन्न अवस्था विभिन्न परिस्थितिमा हाम्रो अभियान चलैति यतिबाटी अस्तक नेपाल जन शाखामा केन्द्रित कैकन हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिएल बाटी ओ अस्तक जङ्गराव साहित्यिक बखेरी अन्तर्गत हाम्रो दस वर्षमा दस थो किताब प्रकाशन होस्याकल बा जीवनका वक्ररेखा मै लेख्न बाटु अस्तक गुरुबाबा गैर र बुडु सौस्याटल मन बहुनी जङ्गराका सगर लगायत हाम्रो अरू किताब थिए संयुक्त गजल सङ्ग्रह थियो हाम्रो प्रकाशन कैस्याकल बाटी ओ हिसाबले आपके आजिक दिन से हाम्रो फेरि अरू प्रतिबद्धताके साथ
आज यी कार्यक्रम हाम्रो समापन गर्ने बाटी ओ सँगसँग ऐना ऐना वर्षमा ऐना ऐना दिनमा न हाम्रो के चिज के मनाइन्छ हाम्रो किताब निकाल चाहती के मनाइन्छ लिख चाहतीका हिसाबले प्रतिबद्धता आफै आज कार्यक्रममा हुई ओ हिसाबले त सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावकन मै हाम्रा जंग्रार टिम के ओर से ओ मै व्यक्तिगत तर्फ से यहाँ सबको जहन स्वागत गर्दै बिदाई दिउँ हस् धन्यवाद छुट्टी मिति समय भिलेक गर्छु उज्जर गुन्या चिन्हा छोर्लो रङ्गी बिरङ्गी गोन्याम उज्जर गुन्या चिन्हा छोर्लो भरल वैषम माठक सेन्दुर ओ चुर्या फोरैलो जब जब मै ढक ढक उज्जर गुन्या पेहर्थु जब जब मै ढक ढक उज्जर गुन्या पेहर्थु सक्के लजर गोन्याम रठिन चुर्या नै घालल यी रार हाठम गाउँ ठेलहन लार छुहैठ बाहार नै निकल फे नै निकर्क फे का कर्ना बाहर नै निकर्क फे नै बनत लड्का ओनक पेट फे भर परत चिन्हा त असिन देलो पिहवा सब दुनियाँ लजर लगैठ नै हुइना नै हुइना डगर देखैठ काकर स्याकम जेमै काकर स्याकम जेमै बस खोब्रक उपर धारल तुहार फोटो हेर्क तुहार मुहार बिटाइल दिन सम्झठु हाली से हाली तुहिन भेटैना बैराग लक्टिक अपन दिन गन्थु धन्यवाद दसवा वर्षगाठकै अवसरमा हाम्रो दस्थो साहित्यकार दस्थो स्रष्टा हुन् सम्मान गरेर जैतीबाटी डाक्टर गोपाल दहित पूर्व मन्त्री असहक थारू जनकवि बमबहादुर थारूज्यू भगवती प्रसाद चौधरीज्यू साहित्यकार साहित्यकार उपन्यासकार अनुसन्धानकर्ता श्रीराम चौधरीज्यू असहका अधिवक्ता साहित्यकार सन्तराम धरकतवाज्यू उपन्यासकार शर्मिला चौधरी सृष्टिज्यू एकराज चौधरीज्यू पत्रकार थारू भाषा साहित्य संरक्षण र सम्वर्धन गर्न असहक साहित्यकार मानबहादुर पन्नाज्यू असहक साहित्यकार दिलबहादुर चौधरीज्यू ओ गायिका सुमित्रा चौधरी हाम्रो दस्तो स्रष्टा हुन् जंगरार साहित्यिक बखेरी के दसवां वार्षिक उत्सव जंगरार साहित्यिक बखेरी बर्दिया सम्मान पत्र थारू भाषा व साहित्य मार्फत थारू समुदायक लाग अतुलनीय योगदान पुगे लगमा जंगरार साहित्यिक बखेरी बखेरी दसवां वर्षगांठक मैगर अवसर में अपना श्री थारू जनकवि बमबहादुर थारूजी हुआ सम्मान करती यी सम्मान पत्र ने सुशोभित कैगिल बा उत्तरोत्तर प्रगति वो सृजनशील लेखन के असरा धरती यी प्रमाण पत्र असिकल लिखगिल बा प्रमुख अतिथि के रूप में प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामी छाने हमार गुरु बाबा फग्गुलाल चौधरी अध्यक्ष श्री सोम देवनडौरा ताली रुको नहीं हुए हमार सबसे बड़ा और सम्मान कला का ताली हो भगवती प्रसाद चौधरी जी साहित्यकार जी वहाँ को पत्र हो चला मिली पत्र हमारा पाँच सौ समझे वहाँ को ना साहित्य ताली कम हुई था ताली धीरे धीरे बजता कर संरक्षक सुशील जी गुरुबाबा झग्गा जी उपकुलपती यादव प्रकाश लामिछाने जी आजुक सम्मानित सकु संस्था हुन्छ जंगरार साहित्यिक बखेरीके सकु कार्य समितिके सदस्य काठमाडौँ से मई लगायत आयल रूपन्देही सुर्खेत बाक्यपोते कल्याली कञ्चनपुर सकुर से आइलक मैगर संस्था हुँक्रे जम्मा लेखक दाजु भैया दिदी बहिनी सकुन मोर राम राम बा ऐतिरक माघिक शुभकामना बा अब थारू भाषाके मानवताके बहुत बरबार बहस चल बा कसिक लिख्ना पाहुना शब्द है कसिक लिख्ना हमारी लिरौसी जौन थेट शब्द बा ऊ चाहिँ कसिक लिख्ना एकर चाहिँ भारी बहस बा होई त यी बहस एक ठो सार्थक किसिमके बहस जाइक छोर के एक ठो व्यक्तिगत इगोको रूपमा चाहिँ जौन हिला छ्यापाल छाप भुटे भयो ऊ चाहिँ मजा नै होइन एक किसिमके बहस होइन चाहिँ हाम्रो साहित्यिक समृद्धिके बाटो
अब म यहाँ गोचाली हिँड्ती बटो 28 सालमा निकल 75 सालके संस्करण बा मै लागत 76 सालमै 77 सालमै दुई वर्ष एकर ग्याप बटिस अब सुदिन भाइ सर प्रकाश पर्वे गरी सुदिन भाइ आज कविता संग्रह फेन आइटी बदिन करा मै लागल बा वहाँ से फेन अग्रिम बधाई बा असक लावा लावा सही संस्था निकल कहीं का नाम लागत 28 साल के संस्था आदरणीय मोर मैगर मामा भगवती चौधरी यहीँबाट सायद वहाँ लगन के डगर नहीं देखे कल से हमें चाहे आज ये अवस्था पुगल नहीं रहती और मई लागत थारू भाषा हमारे जोगिना हो कल से एक छन से पाँच सम के जो किताब बा हुई ऊँचे हाली से हाली लागू करे पड़ो वो कैंपस तो हमें फिर हमारे कम से कम इंटर तो हमें नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय से हुई कि कहाँ से हुई कि चाहिए काम करे पड़ल हमें चाहिए नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय से सहकार्य करना चाहिए तैयार बटी अबे मोर बसाई उपन्यास ये छारा कह के नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान से मैं अनुवाद बुझेले बटू अनुवाद विभाग में मई लागत अनुवाद में फिर थारू साहित्य बहुत कमजोर बा विश्व स्तर के साहित्य हमरे अपन थारू भाषा में अनुवाद करे पढ़ना जरूरी बा को संतराम धरकटुआ हस मजा लेखक लोगन के कविता कथा नेपाली भाषा में चाहिए उल्टा करे पढ़ना जरूरी बा वही खुशी लागत बामर धरकटुआ जी के कथा सुशील नहीं गमर का कथा सोम भाई चाहिँ उल्टा गएकी नेपाली भाषामा कहिले भट लेकिन ओकर प्रचार प्रसार नै मिसेको ठाउँ कृपया हाम्रो काम कति कल से प्रचार गरी मैले लागत आजके पुरस्कृत श्रोता श्री श्रष्टा हाम्रो श्रीरामजी फेन अनुवादमा कलम चलिले भट ओर से हाम्रो अनुवाद विभाग मार्फत फेन ढेर काम गरे सकि तनस मैले लागत अब आजकल जङ्गरार साहित्यिक बकरीके अध्यक्ष हाम्रो सोम भाई सुर्खेत रहल पर्छ जङ्गरार साहित्यिक बकरी कार्यक्रम अपनी जहाँ कर्म थल बनैले बटी वहाँ पनि करे पर्न म जरुरी देख्छु अब डिसेम्बरमा यदि प्रोग्राम ओराइटक रहेछ वहाँ संस्था लोकन पनि कसी हाम्रो हुर्चुल्ली बनाइसकेको थिएँ कैलाली कञ्चनपुर सङ्गठन आइलबाट सुर्खेत से आइलबाट रूपन्देही आइलबाट गएल चाहिँ रूपन्देही हाम्रो चाहिँ चौथो साहित्यिक सम्मेलन गेले रही वहाँ चाहिँ जिल्ला स्तरको साहित्यिक सम्मेलन कसी गरेछ जाइ रूपन्देही सङ्गठनसँग हामीले सल्लाह गरेर सिक्ली अब लैङ्गिक समताको दृष्टिकोण चाहिँ आजको सम्मान पनि ठिक भयो कम्तीमा सर्वमिला सृष्टि एक ठो महिला संस्था एक ठो चाहिँ काका थामारी सुमित्रा बाबु महिला संस्था ओहे भन्छ हाम्रो चाहिँ एकपल्ट लैङ्गिक समता फेरि हेरे पर्न जरुरी भयो महिला लोगन का भोजक बाद चाहिँ एक ठो सृजना कहिना चाहिँ माहौल गडबडाइ लागत तँ परिवारमा उसिक माहौल कसरी बनाइसकेछ उहाँ लोगन पारिवारिक भेटघाट कहिले फेरि कुछ काम गरे पर्ना हो कि कसरी गरे पर्ना हो मैले देख्छु अब यी आजकल अनलाइनको जमाना आयल भयो मै लागत थारू साहित्यकै छुट्टै अनलाइन न्यूज पोर्टल बनाई पर्न जरुरी देख्छौँ यहाँ लगुवा दगरके सम्पादक हर्जालीके सम्पादक सागर कुसुमीबाट यही विषयमा आजुक सरकार कथा सम्मानित व्यक्तित्व डाक्टर गोपाल दाहिटा आसकला उहाँ म आसन ग्रहण केलक अनुरोध गर्छु लगुवा दगर अथवा हर्जाली सङ्गठनके चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहे अपन पत्रिका के छुट्टै अनलाइन बनेना कि छुट्टै साहित्यिक अनलाइन बनेना हो ऊ जरुरी भयो का गरे कि हाम्रो आजकल ऊ जमाना नै रहेको कि हातेमा हातेमा किल पत्रिका जाए अनलाइन करब कलसे हाम्रो विश्व स्तरमा चाहिँ ऊ चाहाँ चाहाँसम्म पनि क्लिक गरेछ जाहिर कसमै लागत कागर विश्वमा अभिनसम्म हाम्रो चाहिँ फेसबुकमै किल अपन प्रविधि प्रयोग कति भेटेँ क्या छुट्टै अनलाइन नै हो ऊर चाहिँ जङ्गरार साहित्यिक बकरी फेरि ध्यान आकर्षण जाए हाम्रो सबैजना मिल्के एक ठाउँ न्युज पोर्टल मजा बनाबी कलसे मजा उस कसमै लागत समय कम बा ओर मै धेर गर्न चाहन्छु अन्तमे आज जङ्गरार साहित्यिक बखेरीके स्रष्टा काकाटा संरक्षक सुशील जी के से हाम्रो सहकार्यमे हाम्रो थारू साहित्यिकलाई जत्न कहिले पनि मोर विचारमे वटना जोडी आर्जनके कम कहिले उस लाग्छ जस्तै मह जोडी मदन कृष्ण हरिवंश दुईजना मिल्के हाँसेबेङ्गे क्षेत्रको नेपालीमा जत्न काम कहिले सुशील ओसर बाहिरीको जोडी बहुत काम कहिले हाम्रो एक जमानामे काठमाडौँ से कञ्चनपुरसम्म थारू साहित्यिक यात्रा लगभग 10 ठन कार्यक्रम कहिले रहे ओसँग सुशील जी जब नेपालगञ्ज इन्सेक्ट छोडके काठमाडौँ अहिले त्यो मोर कृतिपुरकी डेरामा उहाँ सम्मान कैली तँ साहित्यिक श्रृङ्खला सुरु गरी अब थुम्रार साहित्यिक बाकरीको नामे काठमाडौँ कि कृतिपुर बर्गरेश्वरमा लगभग हाम्रो 80 भाग श्रृङ्खला कविता कार्यक्रम गरिरहेको थिएँ हाम्रो तुरन्त रचना सुन्छ हो संस्था लगेन तुरन्त फिडब्याक दिन्छ यहाँ हाम्रो पर्गापन किताब आयो बाबै काठमाडौँ उत्कृष्ट रचना कि हामीले सङ्कलन हाम्रो कहिले पनि इमेलको पत्रिका फेरि हामीले निकाले पछि असिना ब्यास पनि मालिक बाबै कस्तो गर्ने जनरल साहित्यिक लेखरी फेरि नियमित कार्यक्रम गरे त उनले सुनाइ रचनाकै फेरि सङ्कलन जरुरी भएको होस् मै लागत बिहानी फेरि हाम्रो बटुली बाल साहित्यकै चाहिँ अभाव भयो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै कक्षा 105 अङ्क किताबकै लेखक मध्ये मै हुँ जब ऊ किताब बनाइ लग्ली त लर्गनके लग खुराक अकोठ नै मिल
जितना फिर किताब कथा आई था वो मैया प्रेम में आई था, जितना फिर निबंध आई था वो चाहे बरवान मणि के लिखना आई था वही, तो मैं जोनू मामा का ना बाल की कविता संग्रह निकल लूँ वह क्या कथा एक सीन से पाँच सौ की किताब बनाई लग जो चाहे यूनिक नेपाल बढ़ दिया वो प्रकाशन कर दिया वो सब सुखली का ना बाल कथा निकल लूँ वो चाहे छाप दिया। अभी हमारे एशिया फाउंडेशन से मिल के थारू बाल चित्रकथा के अनुवाद अभियान में बोती करीब सैठो बाल चित्रकथा हमारे थारू भाषा दंगल थारू भाषा में अनुवाद कर सकली बोती वो ये बरस हमारे छठो किताब बाल साहित्य के चित्रकथा के साथ छठो किताब आयल हुआ अंग्रेजी भाषा में नेपाली भाषा में और थारू भाषा में तीनों भाषा में आयल हुआ और हमारे चाहे त्रिभाषिक नीति के आगे चाहे बनाई सकते www.letsread.org अपनी फोन भी कर ले से लड़का दिन भर मोबाइल खिला के उमने और चीज़ हेरना से फिर उमने एक सौ क्लिक कर भी कर ले से क्या करें नेपाली थारू छाने मिलर थारू भाषा क्लिक कर भी कर ले से उमने चाहे उनके बाल चित्र कथा हेरे सकती और जे चाहे ओरिजिनल कथा सृजना करती वहाँ लोगों के कथा सृजना करी कविता सृजन करी जे करते सृजना के अभाव वहाँ लोगों के कृपया अनुवाद करी नेपाली से थारू थारू से नेपाली वही फिर अंग्रेजी में ले जाए अत्रे कहती मई फैन अपन टूटल फूटल शब्द यहाँ का नाम कर देती अपनी शकुन है आयोजक लोगों प्रति आभारी बटू जंगरार साहित्यिक बखेरी का संस्थापक संरक्षक थारू साहित्य थारू भाषा है धीरमाया करना थारू साहित्य भाषा संरक्षण और संवर्धन के ला विशेष योगदान पुगैल सुशील चौधरी जो है कुछ बात भई देख लाखे और जे कर तुम ये दसवा वर्षगांठ के समारोह के बरगरिया सोम चौधरी जीव हमार लौ मूल्य मान्यता के साथ हमारा थारू संस्कार और संस्कृति अनुसार कसिकन हमार औपचारिक व्यवस्थापन कर सीख जाइक हमारा अभ्यास करती बाटी यी क्रम में थारू समाज में थारू संस्कृति अनुसार गुरुबाबा आना सबसे भारी मनना हुईला कोर्से गुरुबाबा जलमूर्ति के आधार में हमार संस्कार और संस्कृति आगे बढ़ना हुईला कोर्से हमारा सबसे सीधे स्थान में हमारा गुरुबाबा आना सबभन्दा पहले इस पर स्थान दिला बाटी वो गुरुबाबा के स्थान हमारा अभखर पगरी पर आकर हमार ई कार्यक्रम की गुरुबाबा विद्वान संस्कृति का सर्जक वो संस्कृति जन्ना लोक साहित्य हो संस्कृति हो गीत मना अत्यंत जानकार वो थारू तंत्र विद्या मंत्र विद्या की जानकार रलक ठग्गूलाल चौधरी हमार बारावर्दिया नगर पालिका वार्ड नंबर 11 बेलबहार में बैठी रलक वहाँ है हमरा ई कार्यक्रम के बरुआर गुरुबाबा के रूप में स्थापित कर लाटी वहाँ के लाख सम्मान के लिए एक जोरदार ताली बजा देखला मैं हार्दिक अनुरोध थारू जाति में गुरुबाबक जलमूर्ति के लग थारू संस्कृति के धरोहर हो ये पृथ्वी कसिक जर्मल ये समाज कसिकन संस्कृति हो संस्कारित होकन आयल कना चीज के बारे में वो लोक महाकाव्य में स्पष्ट रूप में उल्लेख बा ओ गुरुबाबा का चीज सोचल कसिक कसिक कना हरेक चीज के सृष्टि कर लना चीज के बारे में उल्लेख बा अब पक्क भी हमार गुरुबाबा अपन मंतव्य देना क्रम में अपन कुछ जानल बुझल बाट निखरल बाट बोटिना क्रम में कुछ न कुछ श्लोक हम सुनने बाट हमारा वो अपेक्षा करक चाहती ओ हमारा ये हमार लोक कला और संस्कृति के सौंदर्य का हो कना विषय में सब कुछ जन जानकारी कराए चाहती जंगरार साहित्यिक बखेरी के माध्यम से हमारा सबको जन अनुरोध करक चाहती कि थारू समाज कला अट्रा चंपान अट्रा सुसंस्कृत समाज हो संस्कारले भरिपूर्ण समाज हो हमार लोक साहित्य के मान्यता के आधार में स्थापित हुई बा हमार मुखाग्र भी आब हमार पुरखा पीटा होगा हमार लोक साहित्य के महाकाव्य लोक महाकाव्य गाथा गैटी आयल बाट पुस्तकन हमार गुरुबाबा फे आब फे हर एक चाडबाड में अपन अपन जस्तो आजकल आप ढुमरी गईना गीत बागल से ढुमरू के लय मन हमार भाव बटोई ठकल से गुरुबाबक जलमूर्ति के श्लोक फे बटोई ठस्तकन हमार परे परे राम बिहेग राजसिन गीत फेबा बरकी मार्जसिन गीत सब कुछ चीज़ के गीत के जानकार वहाँ बाट ये वहाँ अठारह भारी स्रोत के रूप में बाट कि हमारा आजसम वहाँ में रहल एक ठो ज्ञान और प्रतिभा न हम सम्मान नहीं कर सकल रही वो हमारा आज हमारा जटरा जुन रूप में कर सकली हमार जंगरार साहित्य बखेरी के तरफ से वहाँ हमारा गुरुबाबा के रूप में स्थापित कर चाहती वो हमार समाज में एक से एक गुरुबाबा उग्र बाट जे हमार समाज न हमार संस्कार न आग बढ़े ध्यान देती बाट हमारी मंच आज बहुत ऐतिहासिक बा बहुत महत्वपूर्ण बा बहुत खनगर बा बहुत
घनगर का हमारी मंच बनल बा दिन जीव हफे आगा आधे लाख मैगर अर्जी कर दो वो हमरा ताली मत कमी नहीं रहा सबको दूर दूर से अलग पौना होकन सबको स्रष्टा होकन मैं ध्यू ध्यू धन्यवाद देती वही मार बेलभार करना कविता संग्रह आज विमोचन करना कई देना जो अवसर प्राप्त कई देखे ध्यान खुशी बाटू वही जंगल साहित्यिक बखेरी के टीम हफे मैं ढेर धन्यवाद दे चाहूँ जो गाँव को मई जन्म नु हमारे से बेलभार शीर्षक दे बेलभार ई नेपाली भाई नेपाली कविता संग्रह बेलभार तिमी रोगले छटपटिदा भोगले तर्पणा गरिबीले सीमा काट्दा अभावै अभावमा बाँचिरहँदा पहाड जस्तै ठिङ्ग उभिएर मुक्तिको बिगुल फुकिरह्यो क्रान्तिको गीत गुनगुनाइरह्यो बेलभार तिम्रो आँगनमा जनमुक्ति सेना परेत खेलिरहँदा सामन्तवाद विरुद्ध विद्रोहको आवाज उठिरहँदा माओवादी छापामारहरू युद्धको योजना बनाइरहँदा युवाहरू लाल सेनामा भर्ती भइरहँदा चट्टान जस्तै अधिक भएर आफ्ना घाँस काटेर आहारा दियो कपास काटेर सहारा दियो बेलभार तिम्रो काखमा जन्मेका आशाका किरण किसान नेता चैतेलाल बेपत्ता पारिएको बेला कर्ण स्कुले बालक कन्यालाई गोलीले छिया छिया पारेको बेला देउराली डाँडाको भिरबाट तिलक जङलाई खसालेको बेला सुरेशलाई सङ्गीन घोची घोची मारेको बेला बलिदानका राजसँगै अविराम अव्यचलित यात्री भयो समाजवाद निर्माणको शास्त्री भयो बेलभार तिम्रो अस्तित्वमा रहेका मानव बस्तीमा शाही राक्षसहरू शिकार गरिरहँदा तिम्रो छोरी चेलीको इज्जत लुटिरहँदा सीता जानकी राजन हरिहरू बेपत्ता पारिँदा तिम्रा सन्ततिहरू जेलभित्र चरम यातना पाइरहँदा आस्थाको धरोहर बनेर अक्टोबर क्रान्तिको सन्देश सुनाइरह्यो चिनिया जनयुद्धका वीरता सम्झाइरह्यो बेलभार तिम्रो बलिदानीले देशमा गणतन्त्र आएको छ सङ्घीय संरचना निर्माण भएको छ समानुपातिक समावेशिता लागू भएको छ धर्मनिरपेक्षता कायम भएको छ अझै पनि तिम्रा सपना साकार गर्न निरन्तर क्रान्ति जारी छ सांस्कृतिक क्रान्ति बाँकी छ बेलभार यो पृथ्वीमा समानता न्याय र गौरव फुल्ने साम्यवादी संस्कृतिको रचना गर्ने थप रगत र बलिदानी दिनुपर्नेछ तिमीलाई तयार रहनु त्यो सुनौलो सुदूर भविष्यको लागि बेलभार सलाम छ तिमीलाई सलाम छ धन्यवाद